अरे ये सब ले लिया हम लोग। इंडियंस भाई कभी भी कहीं भी जुगाड़ कर लेता है। हेलो एवरीवन, आइसलैंड ट्रिप का आज हमारा पहला दिन है। लास्ट वीडियो में हमने एम्स्टर्डम से कैफलविक तक का सफ़र दिखाया था और आज हम कैफलविक के साउदर्न कोस्ट की ओर चलेंगे। तो ये रहा हमारा ट्रैवल रूट आज का। तो पहले हम जाएंगे प्रिम केटल लावा रॉक पूल साउदर्न कोस्ट में। ये हमारा पहला लोकेशन आज का। हमने दो कार बुक किए थे तो रास्ते से एक और गाड़ी अभी उठाने जा रहे हैं हम लोग। और दो कार इसलिए बुक किए क्योंकि हमने कोई प्री बुकिंग नहीं की है होटल्स का, तो आगे जाके अगर हमें कार में सोना पड़े तो हम लोग आराम से सो सके क्योंकि हम 5 लोग हैं। हम कार पिकअप लोकेशन पे आ गए। ये रहा हमारा दूसरा कार। तो हम कार का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं ताकि आगे जाके अगर डिस्प्यूट होता है तो हमारे पास प्रूफ रहे। हमारा दोनों कार पिकअप हो गया है। अब फाइनली वो घड़ी आ गया इस रोड्स का मज़े लेने का। वैसे हमारा प्लान है कि कार से पूरे आइसलैंड कवर करें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एवरीथिंग, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को भी हमारा रो एक्सपीरियंस का फील दे। सो कम ऑन, लेट्स हिट द रोड। ये खाली सड़क पे आगे एक कैरेवन जाते हुए दिख रहा है। वैसे ये रोड लावा पुल होते हुए ही जाएगा, तो देखते हैं कि ये कैरेवन वहाँ जाते हैं कि नहीं। अच्छा, यहाँ से वो राइट टर्न लिया है, मतलब वो लावा पुल रॉक की तरफ ही जा रहा है हमारी तरह। तो हम लोकेशन पे आ गए हैं प्रिम केटल लावा पुल रॉक। तो हमारे अलावा यहाँ पे कुछ और कार भी पार्क है, तो चलो एक्सप्लोर करते हैं इस लोकेशन का। वो रहा हमारा माइकल आगे चलता हुआ। वैसे ये माइकल काफ़ी सख्त है। सामने से दो लड़की आ रही है लेकिन एक बार भी पलक झपक के नहीं देखा। यहाँ भी देख लो, सीधा चलता जा रहा है। ब्रिम केटल लावा रॉक तो हम देख लिए हैं, अब हम जाएंगे नए डेस्टिनेशन की ओर। तो ये रहा मैप। ब्रिम केटल से हम जाएंगे सेल्फोस। ये एक छोटा सा टाउन है और हम आज वहीं रुकने वाला है। वैसे हमने डिसाइड किए हैं कि रास्ते पे लंच कर ले क्योंकि सेल्फोस आने में अभी थोड़ा दूर है। तो हमें 2-3 रेस्टोरेंट्स मिल भी गए यहाँ पे। चलो देखते हैं कि कैसे हैं वो रेस्टोरेंट्स। गूगल मैप के हिसाब से रेस्टोरेंट्स उन दोनों में से कोई एक है और ये हमारा पहला मील होगा आइसलैंड में। तो चलो देखते हैं यहाँ के लोग खाते क्या हैं। हम रेस्टोरेंट्स आ गए। यहाँ ये आइसलैंड का मैप है तो हम इस लोकेशन पे हैं अभी फ़िलहाल।
हमारा लंच हो गया है तो अभी हम निकलेंगे सेल्फोस के ओर और रास्ते से कुछ खाने के लिए भी उठा लेंगे क्योंकि और ब्रेड खाने का तो मन नहीं है रात को। हमें एक सुपरमार्केट मिल गया है तो हम यहीं से कुछ खरीद के लेके जाएंगे। सुपरमार्ट से हमने खाने के लिए कुछ सामान उठा लिए हैं और अब हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल के ओर। हम हॉस्टल के लोकेशन पे आ गए हैं। ये रेड बिल्डिंग ही हमारा हॉस्टल है और ये हॉस्टल का नाम है आर्ट हॉस्टल। इसका लोकेशन भी काफ़ी अच्छी जगह पे है, समुंदर के बिल्कुल किनारे पे है। तो इस लोकेशन का टूर मैं आप लोगों को ज़रूर करवाऊँगा, लेकिन उससे पहले चलो हम चेक इन कर लेते हैं। खाना भी बना सकते हैं क्या? ओके, वी कैन कुक आवर सेल्फ हियर, वी कैन कुक आवर सेल्फ हियर, लाइक ओके, यू कैन यूज दिस किचन एज़ वेल। ओह नाइस। दिस इज परफेक्ट एक्चुअली। Come on. Cheers. Cheers to Iceland. जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को इस जगह का टूर करवाऊंगा, तो ये हॉस्टल का बैक डोर है और यहाँ से हम समुंदर की ओर जा सकते हैं। तो वो रहा समुंदर और हम ये इधर सीढ़ी है तो इस सीढ़ी से समुंदर की ओर जाएंगे। तेरा मोबाइल लेने का भी टाइम नहीं है, 5 मिनट में बंद हो रहा है। फटक से चल चल चल। वैसे आज हॉस्टल कीपर से बात करते करते हम उनको बोल दिया है कि इंडियन फूड बना के खिलाएंगे डिनर में, इसीलिए हम दाल चावल लेने निकले हैं और वो सामने का स्टोर बंद होने में सिर्फ 5 ही मिनट बचा है। चावल कहाँ है? चावल नीचे ही है ना, वो राइस स्टिकी राइस है, लेकिन वो नहीं स्टिकी राइस है, वो वाइट राइस है। दैट इज द वाइट राइस, येलो येलो येलो। यस, दो ले, आलू ले दो। अरे ये सब ले लिया हम लोग। इंडियंस भाई कभी भी कहीं भी जुगाड़ कर लेते हैं। तो हमारा खाना तैयार हो गया है, राइस आलू चोखा एंड दाल तड़का।
You can say hello. Yeah, it's hello. So, by the way, what's your name? George. George, okay. George, yeah. Say hi to George, everyone. With... Let's cheers. 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 Cheers to Iceland. Yes. It's not expensive here, so it's just like super nice food to go for. So you are saving my life there.